Hello friends, welcome to Exam Yug online learning platform. Today's topic is puzzles. कुछ प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड जो सब टॉपिक है क्यों कतार इस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आज के इस लेसन में देखने वाले हैं कि कतार से संबंधित किस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल टॉपिक है बट इसे कैसे सॉल्व करना है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कवर करने वाला टॉपिक है और आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को कवर किया गया है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को अलग अलग ट्रिक से सॉल्व किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, एक टिकट की कतार में 27 व्यक्ति खड़े हैं तो उस कतार के मध्य में खड़े व्यक्ति का क्रमांक कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो एक कतार दी गई है जिसमें 27 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, और उस कतार के मध्य में खड़े व्यक्ति को हमें फाइंड आउट करना है, उसका क्रमांक हमें बताना है। तो सिंपल तरीका है कि इस कतार में कितने व्यक्ति खड़े हैं, 27 खड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, 27 को +1 कर देंगे, ठीक है, 27 +1 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 28 आ जाएगा। यहाँ पे 28 आ गया। हमें मिडल क्रमांक निकालना है, मध्य में जो व्यक्ति खड़ा है उसका क्रमांक हमें यहाँ पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 28 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। यानी इस कतार में जो मध्य में व्यक्ति खड़ा रहेगा उसका जो क्रमांक रहेगा वो 14वां रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में 14 दिया है तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाले ऑप्शन को राइट करेंगे। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देन सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कतार में मध्य के बच्चे का क्रमांक 17वां हो तो उस कतार में कुल कितने बच्चे हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल कितने बच्चे ये हमें बताना है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मध्य में जो बच्चा है उसका क्रमांक कितना है, 17वां है, ठीक है। तो सिंपल है, 17वां जब क्रमांक दिया है तो इसके आगे भी कितने बच्चे रहेंगे, 16 बच्चे रहेंगे, राइट ना, और पीछे भी कितने बच्चे रहेंगे, 16 रहेंगे, आगे भी 16 और पीछे भी 16 रहेंगे, ठीक है। और इसका जो क्रमांक है इसे हम 1 काउंट करेंगे। तो 16 +16 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 32 आ जाएगा, राइट। और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। यानी कुल कितने बच्चे हैं यहाँ पे, 33 बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। सेकेंड तरीका क्या हो सकता है कि 17 +16 कर देंगे, 17 +16 कर देंगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 33 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम। ये फर्स्ट ट्रिक हो गई और ये क्या है, सेकंड ट्रिक हो गई कि डायरेक्ट 17 बच्चे हैं और पीछे में कितने रहेंगे, 16 रहेंगे। तो 17 +16 किए तो आंसर कितना आ गया, 33 आ गया। तो उस कतार में कुल जो बच्चों की संख्या है वो 33 रहेंगी। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी मतदान केंद्र में खड़ी सविता का आगे से 28वां तथा पीछे से 13वां क्रमांक है, उस कतार में कुल कितने मतदाता है, ठीक है। ये मतदान केंद्र में सविता खड़ी है और उसका आगे से 28वां क्रमांक है और पीछे से कितना क्रमांक है, 13वां क्रमांक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 28 प्लस क्या कर देते हैं, 13 कर देंगे, ओके। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 41 आ जाएगा। राइट, अब क्या करना है हमें कि यहाँ पे 28 इसे आगे से काउंट किए गए, एक बार काउंट हो गई है सविता, और पीछे से काउंट किया गया तो इसका 13वां क्रमांक है, यहाँ पे ये एक बार काउंट हो गई है, यानी जो सविता का जो क्रमांक है यहाँ पे दो बार काउंट हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना है कि एक ही बार काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, तो 41 माइनस 1 करेंगे, ठीक है। एक माइनस क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ गया, क्योंकि सविता का जो क्रमांक है हमने दो बार काउंट कर लिए, 28 में भी और 13 में भी, इसीलिए यहाँ पे हम -1 कर रहे हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो उस मतदान केंद्र में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी रहेगी, 40 रहेगी। तो सेकंड वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे सविता जो है दो बार काउंट हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे -1 कर दिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी वाहन स्थानक में स्कूटर के आगे 26 व पीछे 9 वाहन हो तो वहाँ कुल कितने वाहन होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लगभग सेम है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो अलग है, ठीक है। इसने आगे और पीछे के बारे में बताया गया है, उस स्कूटर को यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आगे कितने हैं, 26 है, राइट, ओके। और यहाँ पे ये जो स्कूटर है, ठीक है, इसे हम एक ले लेंगे, क्योंकि इस एक स्कूटर के सामने में 26 है, ठीक है, और इसके पीछे में कितने स्कूटर है, 9 है। आपको समझ में आ गया कि आगे में कितने हैं, 26 है, और पीछे में कितने हैं, 9 है। अब हम इसे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ वाला ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा, यहाँ पे 36 दिया है। यहाँ पे +1 करना है, ऐसे भी डायरेक्ट कर दिए हमने कि 26 +9 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और 35 में +1 करेंगे, क्यों 1 करेंगे आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उस स्कूटर को काउंट नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो सविता है उसको दो बार काउंट किया गया था, बट क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे जो स्कूटर है उसे काउंट नहीं किया गया है, उसके आगे और पीछे के वाहनों की संख्या बताई गई थी, उस स्कूटर को काउंट नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ पे +1 किया गया है, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 36 आ गया। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी कतार में अश्विन का बाईं ओर से 25वां व दाहिनी ओर से 21वां क्रमांक है, उस कतार के बीचों बीच के बच्चे का क्रमांक कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको इसे समझ लेना है। किसी कतार में अश्विन का बाईं ओर से 25वां क्रमांक है, ठीक है। यहाँ पे जो अश्विन है तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, का 25वां क्रमांक है, राइट, ये इसकी बाई साइड हो गई। और दाहिनी ओर से उसका जो क्रमांक है वो 21वां है, ठीक है। इस साइड से अगर उसे काउंट करते हैं तो जो अश्विन का जो क्रमांक है वो कितना है, 21वां है, ठीक है। अश्विन के लिए मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ठीक है, और ये दाई साइड हो गई इसकी। तो यहाँ पे 25वां क्रमांक है इसके बाई ओर से, ठीक है। तो आगे में कितने बच्चे रहेंगे इसके, 24 रहेंगे, राइट। दाई ओर से अश्विन का जो क्रमांक है वो 21वां है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कितने बच्चे रहेंगे, 20 बच्चे रहेंगे, तब जाके उसका जो क्रमांक है वो 21वां रहेगा, ठीक है। तो इसे आपको क्या करना है, एक ही काउंट करना है, क्योंकि ये जो है दो बार हो रहा है, 25वां क्रमांक और 21वां क्रमांक, तो इसे एक ही काउंट कर लेना है आपको, सिंपल। अब इसे प्लस कर देते हैं, 24 + 1 + 20 कर देंगे, ठीक है। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, बस यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे डिटेल में दे रहा हूँ, ठीक है। तो 24 + 1 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 + 20 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कुल जो बच्चों की संख्या है वो 45 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मिडिल क्रमांक पे जो बच्चा रहेगा उसका क्रमांक कौन सा रहेगा, ठीक है। तो सिंपल है, इस 45 में +1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 46, और इस 46 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यानी जो मिडल में जो बच्चा खड़ा रहेगा उसका जो क्रमांक रहेगा वो 23 रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया है 23, हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। ओके, मिडल क्रमांक निकालने का यही सबसे सिंपल तरीका है कि जो भी यहाँ पे ऑड नंबर दिया जाएगा उसमें +1 कर देना है ना। विषम संख्या दी जाएंगी उसमें +1 कर दोगे और उसको 2 से भाग दे दोगे, तो वो आपका मिडल क्रमांक वहाँ पे मिल जाएगा, कि मध्य में जो क्रमांक आएगा वो आपको बड़े आसानी से मिल जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी टाइम एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। रिक्शा स्थानक पर एक कतार में जितने रिक्शे हैं उतने ही रिक्शों की कतार भी है। यदि एक कतार के रिक्शों की संख्या 13 हो तो कुल पहियों की संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है कि आपको क्या पूछा गया है, रिक्शे की संख्या पूछी गई है कि रिक्शे की पहियों के बारे में पूछा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पहियों के बारे में पूछा गया है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे कहा गया है कि जितने रिक्शे हैं उतनी ही कतारें हैं, एक कतार में जितने रिक्शे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक कतार में जितने रिक्शे हैं उतनी ही वहाँ पे रिक्शों की कतार है। तो यहाँ पे 13 रिक्शे दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है कि एक कतार में 13 रिक्शे हैं, ठीक है, और 13 ही लाइन रहेंगी रिक्शों की, ठीक है, लाइन कितनी रहेंगी, 13 रहेंगी, और हर एक कतार में जो रिक्शे की संख्या है वो कितनी रहेंगी, 13 रहेंगी, ठीक है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हर एक कतार में जो रिक्शों की संख्या रहेंगी वो 13 रहेंगी और 13 ही लाइन रहेंगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती एग्ज़ाम में, आपको डायरेक्ट आप क्या करोगे, 13 करोगे, 13 लाइन है और हर एक कतार में 13 रिक्शे है, तो हम क्या करेंगे, 13 × 13 कर देंगे, ठीक है। तो आपको 13 का स्क्वायर पता है कितना है, 169, ठीक है, और ये 169 तो हम क्या करेंगे, × 3 कर देंगे। अभी × 3 क्यों किए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिक्शा है उसमें कितने पहिए होते हैं, 3 पहिए होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ, × 3 कर दिया हूँ। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 × 3 कर दे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में, यहाँ पे 9 है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, तो क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा हमारा, राइट वाला, थर्ड वाला रहेगा 507। बाकी कैलकुलेशन आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने 9 × 3 किए तो 7 आ गया, तो बाकी किसी भी प्लेस पे यहाँ पे 7 नहीं था, सिर्फ थर्ड वाले ऑप्शन में था, तो हमने इस ऑप्शन को राइट कर दिया। सेकंड तरीका क्या होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि हर एक कतार में 13 रिक्शे है और 13 ही लाइन है, 13 रिक्शे है और 13 ही रिक्शों की लाइन है, ठीक है। तो हमने क्या किए थे, 13 × 13 कर दिए थे, तो आंसर कितना आ गया था, 169 आ गया था, ठीक है, और पहियों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, इसका मतलब क्या है, 13 ये आंसर नहीं आता था, क्योंकि हर एक रिक्शे में जो पहियों की संख्या है वो 3 होती है। तो यहाँ पे अगर × 3 करेंगे तो 169 में 3 करेंगे तो वही सेम आंसर तो नहीं आता, इसे भी कट कर देते थे, इसे भी कट कर देंगे, तो राइट वाला आंसर क्या रहेगा, 507 रहेगा। तो और भी आप अपने दिमाग का यूज़ करके इन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। बस आपको सोचना है कि इस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसी कतार में मनीष 5वें क्रमांक पर खड़ा है, वह उससे लगकर ही अमर खड़ा है। अमर के बाद 8वें क्रमांक पर रमेश खड़ा है। उस कतार में कम से कम कितने बच्चे खड़े हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कम से कम कहा गया है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम बच्चे के बारे में आपको सोचना है कि कम से कम कितने बच्चे उस कतार में हो सकते हैं। अगर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कहा गया होता तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अलग हुआ रहता, ठीक है। तो सबसे पहले हम कम से कम के बारे में सोच लेते हैं। तो यहाँ पे जो मनीष का जो क्रमांक है वो 5वां है, ठीक है। मनीष का जो क्रमांक है वो 5वां है, ठीक है। उसके आगे कितने बच्चे रहेंगे? 4 बच्चे रहेंगे, तब उसका क्रमांक 5वां रहेगा, राइट। ये हो गया मनीष का क्रमांक, हम लिख देता हूँ। और उससे लगकर ही अमर खड़ा है, ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे अगर अमर को खड़े करते हैं तो कम से कम बच्चे आएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको इस साइड में खड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे, इसीलिए मैं अमर को यहाँ पे खड़ा नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो हमें क्वेश्चन में कम से कम बच्चे के बारे में बताना है, इसीलिए इस अमर को मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ। आपके मन में ये सवाल आएगा कि यहाँ पे क्यों नहीं रखे, तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर रखते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो जाते, इसीलिए इस अमर को हमने यहाँ पे रखे, ठीक है, मनीष के साइड में रखे, ठीक है। उसके बाद में अमर के बाद 8वें क्रमांक पर रमेश खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अमर हो गया, अमर से 8वें क्रमांक पर कौन है? रमेश है, ठीक है। तो पहला क्रमांक हो गया, ये दूसरा क्रमांक हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। 8वें क्रमांक पे कौन है? रमेश है। यहाँ पे टोटल बच्चे काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पे कुल कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं, ओके। तो ये जो फर्स्ट वाले ऑप्शन में 12 दिया है तो हम इसे राइट कर देंगे। यानी इस क्वेश्चन नंबर 7 में कम से कम 12 बच्चों का समावेश होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 100 पुस्तकों के गट्टे में मराठी, गणित, हिंदी, अंग्रेजी इस क्रम से पुस्तकें रखने पर 59वें क्रमांक पर कौन से विषय की पुस्तक होगी? यहाँ पे 4 पुस्तक दी गई है। सबसे पहले क्रमांक पे मराठी है, सेकंड नंबर पे गणित है और थर्ड नंबर पे हिंदी है व फोर्थ नंबर पे क्या है? अंग्रेजी है। तो ये जो 59वें क्रमांक पे कौन सी बुक होगी ये पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 बुक दी गई है, तो हम क्या करेंगे, 59 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, भाग दे देते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना बच जाएगा यहाँ पे? 3 आ जाएगा। तो तीसरे क्रमांक पे कौन सी बुक आ रही है वो हमें देखना है। तो तीसरे क्रमांक पे यहाँ पे हिंदी आ रही है, ठीक है। तो देखते हैं, थर्ड वाले ऑप्शन में दिया है हिंदी, तो हम क्या करेंगे, इसे राइट कर देंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था कि यहाँ पे जो क्रमांक दिया गया है उसको हमने 4 से भाग दे दिए और इसके जो शेषफल में जो बचा है, ठीक है, शेषफल में कितना आ गया यहाँ पे? 3 आ गया। तो तीसरे क्रमांक पे जो बुक आती है वो हिंदी आती है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? राइट है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसी रास्ते के किनारे लगाए गए क्रमिक 4 पेड़ों में 24 मीटर की दूरी है। उस रास्ते के किनारे कुल 151 पेड़ लगाए गए हो तो पहले पेड़ से अंतिम पेड़ की दूरी कितनी होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से समझ लेना है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस प्रश्न में 2 पर्याय सही है, उन दोनों पर्याय को चुने, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन राइट रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन में जो 2 ऑप्शन दिए जाएंगे उनकी जो वैल्यू है वो सेम रहेंगी। जैसे कि यहाँ पे दिया है फर्स्ट वाले ऑप्शन में 1.2 किलोमीटर, ठीक है। देन सेकेंड वाले ऑप्शन में दिया है 720 मीटर एंड थर्ड वाले ऑप्शन में दिया है 0.12 किलोमीटर एंड फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया है 1 किमी 200 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन की वैल्यू और फोर्थ वाले ऑप्शन की जो वैल्यू है सेम है, बाकी सेकेंड और थर्ड वाले ऑप्शन की वैल्यू सेम है कि आप देख सकते हो नहीं है। तो इस टाइप से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि इसका जो राइट वाला आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट वाला रहेगा और ये फोर्थ वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन दिए गए इनकी जो वैल्यू है सेम नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा कब करना है, जब आपके पास में टाइम नहीं है, बट आपके पास में टाइम है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देख लेते कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते 24 मीटर में 4 पेड़ लगाए गए, तो स्टार्टिंग से लगाया जाएगा यहाँ पे पेड़, ठीक है। सबसे यहाँ पे एक पेड़ आ गया, दूसरा पेड़ आ जाएगा यहाँ पे, तीसरा और यहाँ पे चौथा पेड़ आ जाएगा। की दूरी कितनी रहेगी, 24 मीटर रहेगी। तो 24 मीटर में देखा जाए तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आ जा रहा है 8-8 मीटर का आ रहा है, ठीक है। 8 मीटर की दूरी पे एक पेड़ आ गया, दूसरे 8 मीटर की दूरी पे एक पेड़ आ गया और तीसरे 8 मीटर की दूरी पे एक पेड़ आ गया। डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 8-8 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 पेड़ की जगह पे एक पेड़ क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये स्टार्टिंग में ही रहेगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा, राइट। 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 आ जाएगा। यानी हर एक पेड़ में 8 मीटर की दूरी है, ठीक है। डिस्टेंस कितना आ रहा है, 8 मीटर आ रहा है। तो सेम यहाँ पे 151 दिया गया है, तो 151 में से भी हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया था उसमें से 1 कम कर दिए तो 3 बच गया, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 151 दिया गया है, उसमें से -1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 150 पेड़ को क्या करेंगे हम, × 8 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे देख लेते हैं, 1200 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 किलो 200 मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 किलो 200 मीटर हो गया फोर्थ वाले ऑप्शन में, और फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया है 1.2, इसका भी मतलब क्या होता है, 1200 मीटर होता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन और ये फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो हम दोनों ही ऑप्शन को राइट कर चुके हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे हर 5 मीटर दूरी पर एक विद्यार्थी खड़े करने पर कुल कितने विद्यार्थी खड़े कर सकते हैं। तो ये जो मैदान ले लेते हैं हम, इसकी जो भुजा की जो लंबाई दी गई है 50 मीटर है, ठीक है। और हर 5 मीटर पर एक विद्यार्थी को खड़ा करना है। जैसे यहाँ पे एक विद्यार्थी को खड़ा करेंगे तो 5 मीटर पे दूसरे को खड़े करेंगे, तीसरे को यहाँ खड़ा कर देंगे। तो ऐसे 50 मीटर है, यानी यहाँ पे कितने बच्चे खड़े हो जाएंगे, 11 बच्चे खड़े हो जाएंगे। यानी एक भुजा के ऊपर में 11 बच्चे खड़े हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ लेना है कि एक लाइन पे कितने बच्चे खड़े हैं, 11 बच्चे खड़े हैं। तो यहाँ पे भी 11 बच्चे खड़े होंगे, यहाँ पे भी 11 बच्चे खड़े रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी 11 बच्चे खड़े रहेंगे। बट ये जो कॉर्नर पे जो बच्चा खड़ा है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो बच्चा खड़ा है, सेम यहाँ पे भी एक बच्चा खड़ा है, यहाँ पे भी एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। स्टार्टिंग पे यहाँ पे और यहाँ पे भी एक बच्चा खड़ा है। यानी एक लाइन में जो एक बच्चा है वो 2 बार काउंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 बार काउंट हो रहा है, यानी इस लाइन में भी काउंट हो रहा है और इस लाइन में भी काउंट हो रहा है। यहाँ पे ये वाला जो बच्चा है वो इस लाइन में भी काउंट हो रहा है और इस लाइन से भी काउंट हो रहा है। ये वाला जो बच्चा है वो इस लाइन में भी काउंट हो रहा है और इस लाइन में भी काउंट हो रहा है। और ये वाला जो बच्चा है ये भी इस लाइन में भी काउंट हो रहा है, इस लाइन में भी काउंट हो रहा है। यानी चार ऐसे बच्चे हैं जो चार लाइन में दो बार काउंट हो रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, चार बच्चे को कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हर एक लाइन में 11 बच्चे थे तो 11 × 4 कर देंगे, चार लाइन है तो आंसर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। राइट, 44 में से -4 कर देंगे क्योंकि चार बच्चे ऐसे हैं जो हर लाइन में दो बार काउंट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, चार बच्चे को माइनस कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब देखते हैं कि जो 40 है ये थर्ड वाले ऑप्शन में है, तो थर्ड वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपका जो आंसर है वो गलत हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दिखने में बड़े सिंपल होते हैं बट इनका जो आंसर है आपको सोच समझ के ही देना होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दौड़ स्पर्धा में जान और अहमद ने भाग लिया। जान ने कहा कि मेरा क्रमांक 15वां था और मेरे आगे अहमद तीसरा था। ठीक है, दौड़ की रेस चालू है, हमें यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जान है उसने कहा कि मेरा जो क्रमांक है वो 15वां है और ये जो अहमद है वो मेरे आगे तीसरावा है। ठीक है, यानी पहला और ये दूसरा और तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, अहमद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन है और जान से तीसरे क्रमांक पे कौन है, अहमद है। ठीक है, ये अहमद है। परंतु अहमद ने कहा कि मैं अंतिम से छठा हूँ, यानी पीछे से मेरा जो क्रमांक है वो छठवा रहेगा। ठीक है, अगर अहमद को पीछे से काउंट करेंगे तो उसका जो क्रमांक कितना है, छठवा रहेगा। तो इसके कथन किस प्रकार से होंगे, इसमें से निम्न में से सही विधान कौन सा है। ठीक है, तो अहमद का ये छठवा क्रमांक हो गया, ये पांचवा क्रमांक हो गया, ये चौथा, ये तीसरा, इसके बाद में दूसरा और ये पहला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे 17 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं सही विधान। उस स्पर्धा में 17 स्पर्धक थे। राइट, वहाँ पे जो दौड़ने वालों की जो संख्या है कितनी थी, 17 है। ठीक है, पीछे से तीसरा स्पर्धक जान था, तो पीछे से जो तीसरा स्पर्धक था वो जान था। 17, 16 और 15 नंबर पे कौन था, जान था। ठीक है, तो ये दूसरा वाला भी जो विधान था ये राइट है। अहमद का स्थान 11वां था, गलत। देन फोर्थ, बीचों बीच के स्पर्धक का 8वां क्रमांक था, तो ये 8वां क्रमांक नहीं हो सकता। अगर इसका 8वां क्रमांक है, ठीक है, मध्य वाले का क्रमांक 8वां है। ठीक है, तो इधर 7 रहेंगे और इधर 7 रहेंगे, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 और 1 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। बट यहाँ पे जो स्पर्धक की जो संख्या है वो 17 है, इसलिए ये जो चौथा वाला जो विधान है ये भी गलत है। तो तीसरा विधान और चौथा वाला विधान यहाँ पे गलत है, तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन और सेकंड वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट कर देंगे। उस स्पर्धा में 17 स्पर्धक थे और पीछे से जान का जो क्रमांक है वो तीसरा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। इसी कतार में एक लड़का फिर दो लड़कियां ऐसे 28 लड़के लड़कियों को खड़े करने पर क्रमशः लड़के लड़की की संख्या कितनी होगी। तो सिंपली यहाँ पे क्या कहा गया कि एक लड़का खड़ा करना है और उसके बाद में दो लड़की खड़ी करना है। ठीक है, तो राइट का चिन्ह ये लड़की के लिए है और ये जो लाइन है ये लड़के के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे लड़का खड़ा होगा तो फिर दो लड़की खड़ी हो जाएगी टाइप से। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि जो लड़कों की जो संख्या रहेगी वो कम रहेंगी और लड़कियों की जो संख्या रहेगी ज़्यादा रहेगी। इस क्वेश्चन में हमें इतना तो समझ में आ गया कि एक लड़का दो लड़की, एक लड़का दो लड़की, इस हिसाब से क्रम से कहा गया है। तो पहले लड़का है फिर लड़की है, तो यहाँ पे 18 फिर 10 दिया, यानी 18 लड़के और 10 लड़की, ऐसा नहीं होगा। तो पहले वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे, कट करेंगे। और तीसरे वाले ऑप्शन को भी कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे लड़कों की संख्या ज़्यादा दी गई है और लड़की की संख्या कम दी गई है। इस हिसाब से हमने दो ऑप्शन को क्या किए, कट कर दिए। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में 8 लड़के और 20 लड़की दिया गया है और फोर्थ वाले ऑप्शन में 10 लड़के और 18 लड़कियाँ दी गई है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 28 को 3 से भाग दे देते हैं। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, शेषफल में 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो जो ये क्रमांक आ रहा है, एक नंबर पे कौन आ रहा है, लड़का आ रहा है। ठीक है, एक नंबर पे कौन आ रहा है, लड़का आ रहा है। दूसरे और तीसरे पे कौन आता है, लड़की आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लड़का है तो 9 लड़के हो जाएंगे और +1 कर देंगे। यहाँ पे 10 लड़के हैं। ठीक है, कितने लड़के हैं यहाँ पे, 10 लड़के हैं। तो लड़कियाँ कितनी रहेंगी फिर, 18 रहेंगी। तभी तो 10 और 18 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, राइट रहेगा कि 10 लड़के और 18 लड़कियाँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फोर्थ वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। इस टाइप से हमने आज के इस लेसन में कतार से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। आई होप ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके।